आज मैं आपसे बातें करूंगा थर्मोमीटर के बारे में। ये हमारे पास दो थर्मोमीटर है। ये जो नाम है ज़्यादातर आपको देखने को मिलता होगा, ये पारा वाला, मरकरी वाला, इसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और दूसरा मेरे हाथों में आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, जिसे कि डिजिटल थर्मोमीटर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया, क्योंकि ये बहुत इजीली होती है, कोई भी इससे चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, क्योंकि ये बता देता है डिजिटल रूप से कि कितना टेम्परेचर है। इसमें देखने में थोड़ा सा लोगों को परेशानी होता है। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, अगर आपको फीवर है, बुखार है, बॉडी का टेम्परेचर मापना है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, जो कि आप बॉडी के टेम्परेचर को ले सकते हैं, माप सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बेस्ट कौन है, लोगों का क्वेश्चन होता है कि सबसे बेस्ट कौन है। हाँ, अगर बेस्ट की बातें हो तो ये मरकरी वाला, पारा वाला, ये मरकरी वाला थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये हर एक टेम्परेचर पे समान होता है, इसका रीडिंग जो है बेस्ट होता है, पारा जो है, मरकरी जो है, एक समान होते हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर बेस्ट होता है। इसका टेम्परेचर को लेकर के थोड़ा सा ये रहता है, ये भी सही है, मैंने नहीं कहा कि गलत है, ये भी टेम्परेचर सही बताता है, लेकिन अगर बहुत दिन से रखा है, रोज तो आप फीवर मापते नहीं हो, अगर इसके बैटरी डिस्चार्ज हो गया, बैटरी वीक हो गए, कुछ इलेक्ट्रिकल है, डिजिटल है, तो कुछ खराब हो गई भाई, तो अगर वो खराब हो गए तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंट दिखा सकता है। हाँ, तो अगर आप चाहते हो बेस्ट टेम्परेचर लेना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, इसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। थैंक।